इस कहानी का नाम है भेड़िया। तुम्हें क्या लगता है ये भेड़िया ने मुझे ही क्यों काटा है? हो सकता है कि वो भेड़िया एक्चुअली तुम्हें मारना चाहता हो। नहीं, क्यों? क्योंकि तुम जिसे सियापा समझते हो ना, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सेब समझ के चुत्तर चबा गया मेरे भाई का। लोगों को ऊंचा सुनाई देता है ना, मुझे नीचा सुनाई दे रहा है। खुशबू बदबू में बदल गई और बदबू खुशबू में। जी 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 जी, क्या कर रहा है? दिल का कबूतर खुला सांड हो गया। पास के पॉटी में से किसी इंसान के हड्डी का अंश मिला। नहीं, मुझे कह रहा हूँ ना, नहीं हुआ कुछ। जिसका डर था ना वो शुरू हो गया। कल रात को क्या खाया था? प्रकाश के साथ खाना खाया था। हाँ, खाना खाया था। मुझे पता नहीं है मैं हर रात क्या करता हूँ। मेरे बॉडी के अंदर भेड़िया घुस गया। भेड़िया जैसे दांत, मेरी ना लिटरली फटती है और फटके ना पीछे से पूंछ निकलती है। रामपुरी चाकू जैसे नाखून निकलते हैं और ड्रैकुला जैसे दांत। ये सारे कुत्ते ना मुझे फूफा जी कह के चढ़ाते हैं। भेड़िया से काटा हुआ इंसान फिर से नॉर्मल कैसे हो सकता है? दिस इज इम्पॉसिबल। मेरा इलाज नहीं हुआ ना तो मैं लोगों को खाता फिरूंगा। वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। भेड़िया बॉलीवुड का सबसे ज़्यादा सुपर डुपर मच अवेटेड प्रोजेक्ट, जिसका ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसमें आपको वरुण धवन एक अलग ही रूप में नज़र आने वाले हैं और उनके साथ कृति सनून और दिनेश मेन लीड रोल में नज़र आएंगे। ये मूवी फुली कॉमेडी हॉरर होने वाली है, जो कि 25 नवंबर 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। ट्रेलर को भाई जिस तरीके से हमारे सामने रखा गया है, इसको देख के ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में रिमेक के बादल छटने लगे हैं और कुछ नया करने की कोशिश, यानी कि न्यू कंटेंट का मौसम शुरू होने वाला है। ट्रेलर में हमें दिखाया जाता है कि फिल्म में एक भेड़िए ने रात को हमारे हीरो वरुण धवन को दौड़ा दौड़ा के काट लिया है, जिसके काटने की वजह से वरुण धवन में भेड़िए की आत्मा आ जाती है। इस फिल्म की स्टोरी काफी हद तक राहुल राय की फिल्म जनून और हॉलीवुड की मूवी एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन पेरिस से मिलती जुलती है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें थोड़ा सा सस्पेंस और थोड़ा एक्शन और कॉमेडी का तड़का लगाया गया है। ये मूवी भेड़िए और वरुण धवन के आसपास घूमने वाली है, क्योंकि कॉमेडी थ्रिलर और सस्पेंस से भरपूर होने वाली है। मूवी में वरुण धवन एक नए कंसेप्ट के साथ पर्दे पर आने वाले हैं। अब देखना यह है क्या ये मूवी दर्शकों को सिनेमा घरों तक लाने में कामयाब हो पाती है या नहीं। ये तो हमें नवंबर 2022 के एंड में ही पता लगेगा, जब ये मूवी रिलीज होगी। आपकी वरुण धवन के इस नए रूप के बारे क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें, और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के बारे जानने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें।